بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله صدق الله مولانا العظيم स्टेज पे बैठे मुअज्जिज़ीन उलमा और मशायख और दूर दराज से इलाकों से चल के आने वाले हमारे मोहब्बत करने वाले अहबाब, आस्थान आलिया बके महल शरीफ से मेरे तरीकत रहबरे शरीयत इमाम ओवैसी साहेब, ननकाना साहब से तहरीर खत्म नबूवत फैलाने वाले औलिया अल्लाह पाकिस्तान से मार मोहम्मद असलम नासिर साहब और मार मोहम्मद शौकत साहब और दीगर हमारे उलमा जो तशरीफ़ फरमा है, अल्लाह पाक सब खान अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मुख्तसर से चंद एक गुजारिशात करना चाहूँगा मैं। आज जो हम बैठे हैं और जो आज हम जिस जश्न को मना रहे हैं, ये पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला ने आज हम उनकी याद मना रहे हैं। एक तरीके से कि जब आपको सलामती ने मिर्ज़ा कादियानी ने चैलेंज किया था मुनाजरे का और आपने जवाब दिया था, जब पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला ने मदीना पाक हाजिर हुए थे, करीम आका अलैहिस्सलाम ख़्वाब में तशरीफ़ लाए कि कादियानी मेरी अहादीस और आयात को गलत तावीलात की कैंची से गुजर रहा है, जाकर ख़त्म नबूवत का और इस पाकीज़ा चादर का दिफा करो। तो पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला ने जब आकर इस चैलेंज का जवाब दिया था, आपने दो किताबें लिखी थी और कादियानी इनका जवाब नहीं दे सका, उसने मुनाजरे का बोला। और जब पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला ले गए मुनाजरे के लिए, तो आपने अपने इलाके के उलमा और मशायख और पीराने उजाम को दावतें दी कि आओ कादियानी के ख़िलाफ़ मुनाजरा लड़ने जाना है। ख़त भेजे, अपने मुरीद भेजे, सिर्फ एक पीर साहब का जवाब नकल करके आगे चला जाऊँगा। पीर मेरे साथ मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला ले को आपने ख़त भेजा तो एक पीर साहब ने जवाब लिख के भेजा। आप फरमाने लगे कि पीर मेहर अली शाह साहब को ख़त आया कि ये पीर जी, ये पीरों का काम नहीं है ख़त्म नबूवत का दिफा करना, ये तो मौलवियों का काम है, वो करें ना करें वो जाने, उनका काम जाने। तो पीर मेहर अली शाह साहब ने दो लाइनों में जवाब दिया था। आप फरमाने लगे ये पीरी नहीं है, ये बगैरती है। जो हुजूर की ख़त्म नबूवत पे उठ के खड़ा ना हो वो पीरी नहीं कर रहा, वो बगैरती कर रहा है। आस्थान आलिया करना वाला शरीफ आप तशरीफ लाए, उनके साथ नहायत ही वाजिब वाले एहतराम खतीब अहले सुन्नत सरमाए अहले सुन्नत मुकर्रर शुनबयां शमशीर बेनियां जनाब मुजाहिद ख़त्म नबूवत हज़रत अलामा मौलाना मोहम्मद बदीउ ज़मान भट्टी साहिब के आप तशरीफ़ लाए, हम उनको दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। इस्तकबाल कीजिएगा, एक हाथ उठा के नारा तकबीर, दोनों हाथ बुलंद करके नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, नारा गौसिया, दोनों हाथ उठा के ताजदार ख़त्म नबूवत, ताजदार ख़त्म नबूवत, ताजदार ख़त्म नबूवत। अच्छा जी,
आया नहीं दौड़ गया तो भी मेरे अली शाह साहब ये बड़ी खूबसूरत बात उनकी, बड़ी खूबसूरत बात आपने फरमाया कि ये तो लिखने की बात कर रहा है कि मैं लिखूं, अगर आज मैं कागज पे कलम रख के छोड़ देता तो मेरा कलम खुद लिखता। तो ये अल्लाह पाक ने हमारे मशाइख भी हमें ऐसे ही दिए हैं और उलमा भी ऐसे ही दिए हैं जिन्होंने हमेशा ही दलेरी का मुजाहरा किया। और पीर जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया था मेरे मिल्लत ने कि मैं इसे जलील होता मरता हुआ देख रहा हूँ। वो जलील होके मर गया था लैटरीन में मरा जलील होके। और ये आपके बिल्कुल करीब चंद किलोमीटर पे आला हजरत शेर रबानी मियाँ शेर मोहम्मद शरफपुरी रहमतुल्लाह ताला ने आपने फरमाया था कि मैं इसे कब्र के अंदर देख रहा हूँ कुत्ते की तरह भौंक रहा हूँ, कब्र के अंदर देख रहा हूँ कि कोई। और ये वो पीर जब शेर रबानी या हजरत रहमतुल्लाह ताला ले कि आपके पास एक अलामा साहब आके कहने लगे कि मुझे नहीं लगता कि नबी हाजर नाजर है अस्तगफिरुल्लाह। तो आपने गर्मी बड़ी थी, शेर रबानी रहमतुल्लाह ताला ले फरमाने लगे इसे पानी का प्याला दो, भाई ठंडा पानी का प्याला शरबत मट्टी के बर्तन में से पानी दो शरबत उसे दिया उस अलामा साहब को। तो वो प्याला लेके बैठ गए तो पी नहीं रहे। जब पी नहीं रहे तो शेर रबानी रहमतुल्लाह ताला ले फरमाने लगे पी क्यों नहीं रहे। उसने कहा जी मैं पी इस कैसे पी लूँ कि इस प्याले में मुझे यहाँ बैठकर मुस्तफ़ा का मदीना नजर आ रहा। शेर रबानी रहमतुल्लाह ताला ले फरमाने लगे अगर तुझे यहाँ बैठ के मदीना नजर आ सकता तो मुस्तफ़ा वाले मदीने को वहाँ बैठ के शरीफपुर नजर नहीं आ सकता। ये हमारे ऐसे बुजुर्ग हैं, आप फरमाते थे कि मैं इसे कब्र के अंदर कुत्ते की तरह भौंकता देख रहा हूँ। और जब मौलाना अब्दुस्ताद खान नियाज़ी रहमतुल्लाह ताला ले खत्मे नबूवत की तहरीक चली, आपको जेल के अंदर भेजा गया तो बड़ी खूबसूरत पीरज़ादा इकबाल साहब ने बात लिखी। कहते हम मिलने गए तो हम रो पड़े कि आपको सजाए मौत सुना दी गई है और आपने छोटा सा वो कुर्ता आपको पहनाया जो आपको पूरा नहीं आ रहा जिससे आपका पेट नंगा हो रहा था। मौलाना अब्दुस्ताद खान नियाज़ी रहमतुल्लाह ताला ले का जब पेट नंगा हो रहा है तो हमने रो पड़े कि ये आपको सजाए मौत हो गई है और कपड़े भी छोटे दिए हैं जिससे आपका पेट नज़र आ रहा है। तो आपने कहते हमारे सर पे हाथ फेर के हमें कहा कि जिनके कपड़े हमें पूरे नहीं आते उनका फंदा कैसे पूरा है। तो वो ऐसे हमारे उलमा थे, ऐसे हमारे मशाइख थे, ऐसे लोगों के हम यहाँ उनके उनके आस्थानों के लंगर खाने वाले लोग हैं। एक बात मैं इसी अंदाज में एक दो मिनट में कोशिश करता हूँ वो भी समेट दो कि जब हज्जाज बिन यूसुफ इसने सईद बिन जुबैर को कत्ल किया था रज़ी अल्लाह ताला उनको सईद बिन जुबैर को बुला के तो ये कहने लगा कि इस बंदे ने मुझे जालिम कहा है। हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा इस बंदे का गला काट दिया जाए। तो सईद बिन जुबैर सामने खड़े मुस्कुरा पड़े। जब सामने खड़े मुस्कुराए हैं तो हजाज कहने लगा बाहर ना लेकर जाना, मेरे सामने लिटा के जिबा करो इन्हें। जब सामने लिटाया तो सईद बिन जुबैर कहने लगे इन्नी वज्जतु वज्हि अल्लज़ी फ़तरा समावाती वल-अर्ध कि मैं अपना रुख अल्लाह की तरफ करता हूँ। उसने कहा चेहरा फेर के काबे से दूसरी तरफ कर दो। तो सईद बिन जुबैर कहने लगे अयनामा तुवल्लू फसम्मा वज्हुल्लाह मेरा मुँह जिधर भी करोगे हर तरफ रब ही रब है। तो गले पे खंजर चला। सईद बिन जुबैर दुआ मांग रहे थे आखिरी टाइम या अल्लाह इस जालिम को मेरे बाद किसी पर कादर ना करना। गले पे खंजर चला तो ऊंट जितना खून निकला था उनके अंदर से। किसी ने बोला भी इतना खून निकला क्यों है। सयाना बंदा बैठा था उसने कहा यह बंदा मौत से डरा नहीं है, दलेरी से जान दे गया। हज्जाज बिन यूसुफ ने जब हजरत सईद बिन जुबैर को मारा था कत्ल किया था, कत्ल करने के बाद जब खून निकला था खून इतना देखा हज्जाज डर गया। रात को सोता था ख्वाब में सईद बिन जुबैर रोज आते थे कहते थे मुझे क्यों मारा मुझे क्यों कत्ल किया। उठ उठ के दौड़ता था। आखिरी टाइम आ गया पेट में दर्द थी कोई दवाई आराम नहीं करती थी तो किसी हकीम को बुलाया कि इसका इलाज करो। उसने एक बोटी धागे से बांध के इसके पेट में डाली, बाहर निकाले तो ऊपर कीड़े लगे हुए थे, ऐसे गंद लगा हुआ था, बच्चों को बदबू आती थी और अपनी बीवी के पास नहीं बैठता था, अपने बच्चों के पास नहीं बैठता था।
और रोता था कि किसी तरीके से मुझे माफी मिल जाए। करते करते वो टाइम आ गया कि जब मरने लगा, वसीयत करके गया कि मेरी कब्र रात के टाइम पे बनाना, सुबह होने से पहले जमीन के बराबर कर देना। उस हजाज ने मदीना पाक पे भी हुकूमत की थी, मक्का पाक पे भी हुकूमत की थी। उसने इस रियासत को मदीने की रियासत बनाने की कोशिश अपनी तरफ से पूरी की थी, लेकिन जब आखिरी टाइम आया था ना, एक दिन भी उसकी कब्र का निशान बाकी नहीं रहा था। ये छोटी छोटी गुजारिशें हैं। अगर हमने, हमें 70 साल हो गए हैं, 20 लाख लोग ऐसे हैं, बल्कि अब इसको अदद को पूरा लेकर जाएं, 90 लाख लोग ऐसे हैं कश्मीर के अंदर हमारे भाई, कि जिनका खाना भी बंद है, जिनका पीना भी बंद है, जिनकी दवाइयां भी बंद हैं। हमारे वजीरे खारजा ने बददुआएं देने पे काम रखा हुआ है। अगर आपने बददुआएं देनी है तो कोई गद्दी संभाल लें, गद्दी पे बैठ के बददुआएं दे लिया करें। वजीरे खारजा का ये काम बददुआएं देना नहीं है। वजीरे खारजा का काम ये नहीं है कि अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है, कि हमारे मौलवी साहबान काफ़ी हैं इस काम के लिए। आपने जो काम करना है ना मेरे भाई, 70 साल हो गए हैं, आपके डब्बू चौधरी बैठ के मीडिया में ये कहते हैं ये कश्मीर की लड़ाई कश्मीरी खुद लड़ेंगे, तो फिर क्यों कहते हो कि हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं? फिर ये क्यों नहीं कह देते कि कश्मीर इंडिया का हिस्सा है? उन बेचारों की जान तो बचने दो ना, उन्हें घर बैठने देते हो ना उनकी जान छोड़ते हो, एक बयान दे के चुप करके बैठ जाते हो। हम खून पसीने की कमाई से टैक्स इसलिए नहीं देते कि तेरी बेटी तेरा बेटा एसी वाली गाड़ी में ऐश करे। हम खून पसीने की कमाई से टैक्स इसलिए नहीं देते कि तेरी कोठियां बने और तेरी जेल में भी एसी लगे। हम खून पसीने की कमाई से टैक्स इसलिए नहीं देते कि तू ऐश और इशरत करता हुआ चला जाए और वहां पर बच्चियां रो रो के कहें कि हमारे छोटे भाई का दूध भी खत्म हो गया, उनकी मेडिसिन खत्म हो गई है और उनके खाने तक की चीजें खत्म हो गई हैं। वह माला को अल्लाह तो कातिलून फी सबीलिल्लाह, तुम्हें हो क्या गया है, तुम अल्लाह की राह में जंग नहीं लड़ते। इन लोगों को फलसफा सिखा किसने दिया है कि जंग किसी चीज का इलाज नहीं है, जंग किसी मसले का हल नहीं है? जिसका ये अकीदा है शायद उसने दीन पढ़ा ही नहीं है, उसने मजहब पढ़ा ही नहीं है। मेरे भाई, अगर जंग किसी मसले का हल नहीं था तो बदर की जंग क्यों लड़ी गई थी? अगर जंग किसी मसले का हल नहीं था तो उहद की जंग क्यों लड़ी गई थी? खंदक का मार्का क्यों बपा हुआ था? अगर जंग किसी मसले का हल नहीं है तो बताओ मक्का फतह क्यों किया गया था? अगर जंग किसी मसले का हल नहीं है, बताओ फिर हवाज़न की जंग, इतना बड़ा मार्का, 12,000 सहाबा क्यों लड़ने गए थे? अगर जंग किसी मसले का हल नहीं है, बताओ जंगे जमामा क्यों हुई थी? अगर जंग किसी मसले का हल नहीं है तो खैबर से लेकर आप सुनते जाए यमामा तक सहाबा ने, बदर से लेकर हवाज़न तक हुजूर ने 27 गज़वात में खुद आपने जंग लड़ी, जिहाद किया, तंदाने मुबारक शहीद हुए, आपके जिस्मे अक़दस से खून बहा। अगर जंग किसी मसले का हल नहीं था, अगर तेरा ये फलसफा ही ठीक है तो बता वो जिहाद वाली आयतों का क्या करेगा जहां ये कहा गया है कमा लकुम अल्लाह तु कातिलून फी सबीलिल्लाह? अरे जब पाकिस्तान बना था, ये आपके गुरदासपुर के इलाकों से गुजरते हुए लोग जब गुजर कर आए थे और इस काफले के अंदर एक नौजवान औरत है जिसने 1 साल का 1.5 साल का अपना बच्चा उठाया है और साथ बूढ़े बुजुर्ग भी हैं, जवान बच्चियां भी हैं, साथ औरतें भी हैं, सिख इज्जतें लूट रहे हैं, किलबानों पे बच्चे पटक पटक के मार रहे हैं, बच्चों को सिवा किया जा रहा है, औरतों की इज्जतें लूटी जा रही हैं। हमारी औरतें, हमारी बहने, हमारी माएं कबाब की फसल के अंदर छुप के बैठी हैं। बूढ़ा बुजुर्ग कहता है बीबी अपने बच्चे को चुप करवा, ये रोएगा तो सिर्फ हमारी औरतों की इज्जतें लूटेंगे, हमारी औरतों को लूट के ले जाएंगे। माँ कभी बच्चे को, 1 साल के बच्चे को सीने से लगाए दूध पिलाने के लिए, गर्मी की शिद्दत उसे चुप ना होने दे, कभी पानी के कपड़े मुंह में डाले वो बच्चा चुप ना हो। मेरे भाई, बुजुर्ग बापे बार बार कहे कि इस बच्चे को चुप करवा, अगर तेरे अंदर का इंसान आप भी नहीं जानता तो फिर हुजूर दाता साहिब की बात है कि अगर तुझे कुरान सुन के भी रोना लाए फिर अपने मुकद्दर पे रोया कर, अगर तुझे कुरान सुन के भी तेरा
मेरा दिल नरम नहीं होता और तुम वही टिकसले और वही शेर व शायरी में जिंदगी बर्बाद कर रहा है, तो सुन मेरे भाई, उस बुरी औरत ने, उस जवान औरत ने एक साल का बच्चा अपने हाथ में पकड़ा है और औरतों की इज्जत बचाने के लिए अपने हाथों से पकड़कर एक साल के बच्चे का गला खुद अपने हाथों से दबा के कहा, अपना बच्चा अपने हाथों से मार के कहा था पाकिस्तान जिंदाबाद, ये नारा मारा था, अरे हमने पाकिस्तान तुम्हारी अयाशियों के लिए नहीं लिया था। माजरत के साथ जुमले बोल रहा हूँ, हमने पाकिस्तान इसलिए नहीं लिया था कि कंजरियों को एवार्ड दिए जाए, हमने पाकिस्तान इसलिए नहीं लिया था कि अगर कोई कंजरी बन जाए तो तुम सारा सारा दिन टीवी पर बैठ कर शोक करो और हमारे उलमा जेलों में मारे जाए, हमारे उलमा को जेलों में कत्ल किया जाए, तेरे पड़ोस में हमारे बच्चे सिफा किए जाए, अब तेरे दुकान पर चूना रिके, तो सिर्फ मुसम्मती बयान देकर सलामती काउंसिल का इजलास आ गया, वो तुम्हें लानत नहीं भेजेंगे तुम पे, उनके इजलास से तुम्हें क्या फायदा मिलेगा, कश्मीरी तो रुल गए ना। मेरे आका ने फरमाया था, मुसलमान एक जिस्म की तरह है, अगर एक जिस्म के हिस्से को तकलीफ हो तो सारा जिस्म तड़पता है, अगर तेरा जिस्म तड़पता है तुझे रात नींद कैसे आ जाती है, जरा सुन उन लोगों के मजालिम, वो कहते हैं बच्चियों की इज्जतें लूटी जा रही है, जवान लड़के घरों से उठाकर जिबा किए जा रहे हैं, बच्चों को गोलियां मारी जा रही है, लोग शहीद किए जा रहे हैं, लोगों की इज्जतें लूट रही है, खाने बंद किए जा रहे हैं, यहाँ कादियानी खुले, यहाँ हिंदू खुले, यहाँ सिख खुले, यहाँ ईसाई खुले, अगर पाबंदी है तो उलमा पे है, अगर जेलों में है तो उलमा है। मेरे भाई नारों से काम नहीं चलेगा, मेरे भाई सिर्फ मुसम्मति करारदादों से काम नहीं चलेगा, हमें अमली इकदाम उठाने होंगे, हमें अरे मेरे भाई तेरे गले पे कुत्ता आके अपने दांत चुभो दे, तू आगे से कहे जंग से काम नहीं चलेगा, तेरे गले में आके तेरे बाजू पे आके सांप डंक मार रहा है, तू कह रहा है जंग से काम नहीं चलेगा, मैं सांप से मुजाकरात कर रहा हूँ, समझ जाएगा मोती एक सांप है, मोती एक कुत्ता है जिसने तेरे गले पे अपने दांत चुभो दिए हैं, अभी बात मुजाकरात से नहीं चलेगी, अभी बात चलेगी तो जिहाद से चलेगी, मेरे नौजवान बैठे हैं, तुम जिहाद का ऐलान करो, हर घर से इमाम मुजाहिद उठा के हजरते, हमारी माओ की तरबियत सुनिएगा, हमारी माओ की तरबियत ही है, हम कोई डरपोक लोग हैं, हम कोई चूड़ियां खाने वाले लोग हैं, हमारे आसपास में क्या वो है जो नजराने बटोरे घरों में जाए, ना 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 ना, हम खुदार और गैरतमंद लोग हैं, हमारी फौज गैरतमंद है, हमारे जवान गैरतमंद है, जरा पुकार तो सही, हर शख्स जिहाद का नारा और हर शख्स जिहाद का अलम लेकर उठेगा, अल्लाह की सच्ची कसम है वो लम्हा दूर नहीं, पहली बार भी पाकिस्तान का झंडा होगा और कश्मीर भी पाकिस्तान बन चुका होगा, तो सही, उन्हें तो वो डरपोके की तरह ऊपर रजाई नहीं है, इधर मुसम्मती बयान है, इधर हमारी माओ की तरबियत क्या है, हमारी माओ की तरबियत क्या है। करीम आका अलैहि सलाम की बारगाह में मुसैलमा के साहब का खत आ गया, उसने कहा आदिया इलाका मुझे लिख दे या ये लिख दे कि मेरे बाद आपके बाद मैं नबी हूँ। करीम आका ने फरमाया लानत है इस बंदे पे, आपने खत का जवाब लिखा, कतब नबी के लफ्ज़ जी हुजूर ने खुद लिखा, इसका मतलब है कि हुजूर लिखते भी थे, कतब नबी हुजूर ने लिखा, इसनाद है कताबा की हुजूर की तरफ, हुजूर ने खत का जवाब लिखा और फरमाया तू झूठा कज़ाब लानती है, कुछ जाएगा लेकर खत ये, वो पीछे एक बंदा खड़ा था नुक्कर के अंदर, मुंह में खजूर डाली है खा रहा और सारा दिन सर पे टोकरी रख के छाबड़ी खजूरें बेचता, खजूरें बेचता, मुंह में खजूर डाली है, आका ने फरमाया कौन जाएगा मुंह में खजूर, बोल पड़े हुजूर मैं जाऊंगा, हुजूर मैं जाऊंगा,
जब खजूर मैं जाऊंगा तो मुंह की खजूर अगले बंदे पे गिर गई। उस बंदे ने पीछे मुड़ के कहा पहले खजूर तो खा ले, पहले खजूर तो खा ले फिर कहना मैं जाऊंगा। इतनी बात पहले खजूर तो खा ले। अब उस छाबड़ी वाले सिहाबी की बात सुनिएगा, फरमाने लगे तू की जान बाजी कोई होर ले जाए, तू की जान बाजी कोई होर ले जाए। फिर आका ने खा दिया, लक में थोड़ा सा कुब है, आका ने खा दिया, फरमाया खत ले जाओ हजरत हबीब बिन ज़ैद, खत ले जाओ जाके मुसालमे को देना। खत पकड़ा चले, जरा लक में कुब था, आका ने तलवार दी, तलवार देकर कहा हबीब जरा जर्नैलों की तरह जाना है, जर्नैलों की तरह जाना है। हजरत हबीब सहाबा कहते हैं ऐसे चले, हमने आज तक किसी जर्नैल को देखा ही नहीं था। चले हैं मुसलमान के दरबार पहुंचे, मुसलमान बैठा खत लेकर आया है, अपनी तलवार गाड़ी जाके मुसलमान के दरबार में। मुसलमान कहने लगा कौन है तू? हबीब बिन ज़ैद का जवाब सुनिएगा, मुझसे भी पूछना पड़ेगा मैं कौन हूँ, मुझसे भी पूछना पड़ेगा मैं कौन हूँ, बता तो सही तू कौन है। सुभान अल्लाह, फरमाने लगे हमारी तो शक्लें बताती हैं कि मुस्तफा के गुलाम आए हैं, हमारी तो शक्लें बताती हैं मुस्तफा के गुलाम आए हैं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नौजवान सुन, हजरत हबीब बिन ज़ैद तलवार गाड़ के खड़े थे, खत लेकर आया हूँ, कातिब को दिया खत पढ़ने के लिए, कातिब ने खत लिया, जो को रहती खुती थी ना वहां निकल गई, खत पढ़ने लग पड़ा। आका अलैहि सलाम की तरफ से खत गया था, लिखा था तो झूठा कज़ाब लानती है, पढ़ के ना कहने लगा हबीब जरा पीछे देख, जरा पीछे देख मेरी फौज है, पीछे देख। हबीब बिन ज़ैद कहने लगे पीछे क्या है, मेरी फौज है तुझे काट देगी। हबीब बिन ज़ैद का जवाब सुन, अगर आप भी अंदर का इंसान ना जागे तो फिर मुकद्दर है। कहने लगे पीछे देख मेरी फौज है। हबीब बिन ज़ैद कहने लगे पीछे ना दिखा, किस लिए? कहते जब मैं घर से चला था मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, कोई बच्चा दूध पीता था, कोई बच्चा ऐसा था कोई चलता था, कोई चलना भी शुरू नहीं हुआ, कोई दो साल का, कोई चार साल का, कोई पांच साल का, कोई छह साल का, मेरे बारह बच्चे थे। जब मैं घर से चला था मैंने तो बच्चे नहीं देखे थे, मेरी फौज कैसे देखे, मैंने तो बच्चे नहीं देखे, तेरी फौज कैसे देखो? हबीब बिन ज़ैद फौज ने देखी लिटा लिया गया, लिटा के किस्सा पता, लिटा के आपके गले पे जब खंजर रखा ना और आपके बाजू पे, आपके एक बाजू पे बाजू काट के, अब हमारे मच्छर चुभे ना, ये हमारे नौजवान तबका बैठा है, जब कोई सख्ती के दिन आते हैं ना ऐसे कि जिनमें उलमा पे सख्ती होती है या हमारे हमारे दीनदार लोगों पे सख्ती होती है, तो हम वो डर के, हमारे ऐसे नौजवान मुजाहिद भी होते हैं महीना महीना खाली नहीं जाते कि कहीं ऐसा ना हो हमें जेल की हवा मिल जाए, इतना हम डर रहे होते। हजरत हबीब बिन ज़ैद मुसलमान ने लगा के खंजर रखा बाजू पे, मुसलमान कह रहा हबीब बाजू काट दूंगा। हबीब बिन ज़ैद कहने लगे खंजर चला, किसे आजमा रहा है? जो कदम में आजमाएंगे दूसरे बाजू पे काट दूंगा। किसे आजमा रहा है? जो फजर की नमाज के बाद शहादत की दुआ मांगते हैं, गले पे खंजर रखा, हबीब काट जाएगा। कहते हैं खंजर चला, खंजर चला, मदीने वाले मुस्तफा की आंखों में आंसू आया, हुजूर क्या हुआ? फरमाया हबीब मेरी खत्म नबूवत पे जान कुर्बान कर गया है, मेरी खत्म नबूवत पे जान का नजराना दे गया। हुजूर क्या मेरा? फरमाया 70,000 जन्नती उसके साथ छुपट में जन्नत में जाएगा, 70 हुए इस्तेमाल के लिए खड़ी है। या रसूल अल्लाह हबीब का अमल इतना पसंद आया, या रसूल अल्लाह पसंद आया, या रसूल अल्लाह इतना अजीम काम? फरमाया हाँ इतना अजीम काम। मेरे भाइयों दूर दराज से आए हो, उलमा आए हैं, मशाइख आए हैं, आज की कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है हम यहाँ से जाए, हमारे खून के अंदर हुजूर की मोहब्बत हो, हमारे घरों में हुजूर की मोहब्बत हो, हमारी शादियों में, हमारी फैमिलियों में। कितने लोग ऐसे हैं, हम यहाँ नारे मार के जाते हैं, वहां जाके मंजी पे भी कादियानी के बैठना, चाय भी उतनी पीनी है, जनाजे भी उसी से है, शादियां भी उसी से है, शादियां भी उसी से, जनाजे भी उसी से, फैक्ट्रियां भी उसी से।
साधनी से अभी नहीं है, बल्कि छुप छुप के मिलके उन्हें कह रहे होते हैं हमारे पिंड के हालात ठीक नहीं है, जरा ठीक हो जाए फिर खुल खुला के मिला करेंगे। मेरे भाई तू तो यहाँ छुप के मिल रहा है, बता कब्र में मुस्तफा को चेहरा क्या दिखाएगा, बता हुजूर का चेहरा क्या दिखाएगा। आज कादियानियों की शादियों में जाए, उनके जनाजों में जाए, माजरत के साथ बुरा नहीं महसूस कीजिएगा, हमारे मजमे में बैठे हुए शायद कुछ ऐसे लोग भी हैं जो तावीलें कर करके बताते हैं, हुजूर तो रहम दिल थे, हुजूर ने तो जिस बीबी ने कूड़ा फेंका उसे भी कुछ नहीं कहा। पहली बात तो ये हदीस ढूंढ के लाए, लिखी कहाँ पे है कूड़ा फेंकने वाली हदीस, पहले तो ये दिखा दे कि लिखी कहाँ है। दूसरी बात ये, वो हुजूर खुद थे, वो हुजूर खुद थे, जब बात हजरत अबू बकर तक आई तारीखुल खुलाफा है लिखा अलामा सूफी ने, जब हजरत अबू बकर सिद्दीक को कहा गया वो लश्कर वापस बुला ले यमामा वाला, आप फरमाने लगे कि हमारी औरतों को कुत्ते भी खींच के ले जाएं, अबू बकर वो लश्कर वापस नहीं बुलाएगा, अबू बकर वो लश्कर वापस नहीं बुलाएगा। मेरे भाई इसलिए आज एक नियत कर, आज एक रुहिया कर, मेरा तन भी हुजूर का है, मेरा मन भी हुजूर का है, अल्लाह पाक मेरा और आपका हम नासिब।